धौलपुर में पंचायत चुनाव का प्रथम चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन कई प्रत्याशियों को लाखों रुपए बांटने के बाद भी जीत नहीं मिल पाई, तो अब रुपए वापस मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में धौलपुर के पंचगांव ग्राम पंचायत के दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें चुनाव हारने के बाद महिला प्रत्याशी अपने परिजनों के साथ एक युवक से वोट खरीदने के लिए दिए गए रुपए वापस मांगने लगी। इस दौरान महिला प्रत्याशी और उसके परिजनों के आरोपी से काफी कहासुनी भी हुई। वायरल वीडियो में महिला प्रत्याशी ने आरोप लगाते 4 लाख रुपए देने की बात कही, तो वहीं युवक की ओर से 3 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त कर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ पर जो वायरल हुआ है वीडियो, उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच में जो धौलपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और निर्वाचन नियमों के तहत संबंधित एजेंट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जांच में दोषी पाए जाने पर अमल लगाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं वन संवाददाता मुनेश ढाकरे से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं, जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की बात सामने आई है? जी शब्द का मैं बताऊंगा कि प्रथम चरण के जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गए थे जी। और जैसे ही प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा लाखों रुपए बांटने के बाद भी जीत नहीं पाए तो उसको वापस मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जैसा कि हम ये वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जी। इसको लेकर जब कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से बात की, उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है जी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि धौलपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां रुपए लेकर वोटिंग का मामला सामने आया है। कहासुनी के बाद यह वीडियो जमकर वायरल हो चुका है।